हिमालयी क्षेत्रों में आमतौर पर लाल बुरासा की लालिमा बसंत के शुरुआत में देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के अद्भुत से है जो है सफेद बुरासा का पहाड़ी जीवन सामान्य वातावरण में खिलना। मामला सेलंग गांव का है, जहां हिमालय में उगने वाले सफेद बुरासा का फूल जोशीमठ ब्लॉक के समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर खिला है। बता दें, सफेद बुरासा समुद्र तल से 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक खिलता है और देश में इतनी कम ऊंचाई पर सफेद बुरासा कहीं भी नहीं खिलता। वहां के रहने वाले कल्पेश्वर भंडारी बताते हैं कि लोग इस बुरासा को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते, इसीलिए इस पेड़ को संरक्षित किए जाने की वन विभाग को पहल करनी चाहिए। वही वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि कभी कभी किन्हीं कारणों से सफेद बुरासा का बीज निचले स्थलों पर जो है पहुंच जाता है। अलग एनवायरमेंट सेटअप के कारण इस पेड़ की प्रथम व द्वितीय पीढ़ी में मॉर्फोफिजिकल बदलाव आ जाते हैं। यही नहीं, पांचवी व छठी पीढ़ी में तो अनुवांशिक गुणों के बदलने की भी संभावना रहती है। ऐसे में नई प्रजाति जो है बन जाती है। जो हमारे बुरास है, रोडोडेंड्रन उसे बोलते हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि ये केवल लाल कलर का ही होगा या रेड कलर ही इसका होता है। हाँ, एल्टीट्यूड का जरूर होता है कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ आपको वाइट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीसीज है। ये लाल के साथ साथ जो है सफ़ेद भी होता है बहुत, मतलब इसमें ना तो क्लाइमेट चेंज का कुछ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से सफ़ेद हो रहा है। ये कहीं से इसका बीज आ गया, हायर एल्टीट्यूड से आ गया होगा तो वो जो है व्हाइट कलर का है।